राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम कबूतर और जाल। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितना दाना बिखरा पड़ा है, धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत सा दाना दिखाई पड़ा। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी वहां मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहां से आया। दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आया हो, आओ हम सब मिलकर दाना खाएं। कबूतर धरती पर उतरने लगे। वे दाना चुगने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। वो दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। अब वे उड़ना चाहते थे, पर उड़ ना सके। वे जाल में फंस गए थे। कबूतर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हम जाल में फंस गए हैं। तभी एक कबूतर चिल्लाया, उधर देखो, अरे अरे वो तो बहेलिया है, वो हमें पकड़ने आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ, जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतरों ने और जोर लगाया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, सब कबूतर उसके पीछे थे। बूढ़ा कबूतर
उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरा मित्र है, वो हमारी मदद करेगा, यहीं उतर जाओ। बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। सभी कबूतरों ने अब बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और उसे धन्यवाद दिया। कबूतर और जाल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर। कलाकार अरिदमन शर्मा, बीआरएल सक्सेना, चंदन कुमार। बाल कलाकार राजेश और तेजस। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।